Welcome to Expert Corner, the Asia Cup edition. Main hoon Rohan Adeem. In this episode, we will review this Asia Cup 2023. What a tournament it has been. Itne ups and downs, so much drama, so much hype. And finally, India lift the Asia Cup and deservingly so. Hum is sab ke baare mein baat karenge. Khaas toor pe Pakistan ki performance ke baare mein. And what went wrong, reflect karenge thoda sa uske upar. I'm joined by none other then the legend of off-spin bowling, the father of the Dusra, former head coach of the Pakistan cricket team, Mr. Saqlain Mushtaq. Sir, welcome to the show. Expert Corner है आज का बड़ा मजेदार होने वाला है क्योंकि इतना कुछ है डिस्कस करने का एशिया कप से. पर पहले तो वो जो फाइनल हुआ है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, टू वेरी स्ट्रॉन्ग टीम्स, एंड नोबडी इमेजिन्ड कि दिस विल बी हाउ द फाइनल विल टर्न आउट. 50 ऑल आउट. पहले तो बात कर रहे हैं कि टॉस जीतकर जो है उन कंडीशंस में बैटिंग करना क्या सही फैसला था, क्या सोच रही थी श्रीलंकन टीम ये 50 पे ऑल आउट होना है, ये तो थोड़ा वरीसम है राइट बिफोर द वर्ल्ड कप. जी वहाँ आपने जो क्वेश्चन किया है, बड़ा देखें अफसोस हुआ जिस तरह श्रीलंका ने डिस्प्ले किया, बट इंडिया जिस तरह डिस्प्ले किया और इंडिया बांग्लादेश से हारने के बाद जब वो वापिस आया, उनके जो मेन बॉलर्स थे, मेन खिलाड़ी जो वापिस आए, उसके बाद जो उनका ग्राउंड के अंदर एंटर होना, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बात करने का अंदाज, जिस तरह से फास्ट बॉलर्स ने एग्जीक्यूट किए प्लान, ऐसे लग रहा था कि इंडिया जो है वो किसी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही है. और क्या बॉलिंग की जो स्किल्स है, देखें जो सिराज ने जो बॉलिंग की है, मैंने एक ट्वीट भी किया अपनी कि अगर आपने वो स्किल्स को देखना है या आर्ट को देखना है या एग्रेशन को देखना है तो वो इज इक्वल टू सिराज. सिराज की हर गेंद ऐसे लग रही थी कि जैसे कोई धमाका कर देगा, बैट्समैन को समझ ही नहीं आ रही है. और ऐसे लग रहा था मैच पर्थ में हो रहा है, कोलंबो में नहीं हो रहा. यानी सारे जो आउट हुए या तो वो बैट्समैन से पीछे आउट हुए या LBW बोल्ड हुए या पॉइंट गली में हुए, कहीं आगे कोई विकेट नहीं मिली. तो ये तो पर्थ की ऐसी पर्थ का ऐसा कारनामा होता था कि सारे आउट जो होते थे यहाँ तो बोल्ड, LBW, स्लिप, गली और पॉइंट की तरफ होते थे. तो कोलंबो की जो कंडीशंस थी वो भी बड़ी अजीब सी, स्ट्रेंज थी. बहरहाल आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू इंडियन टीम और स्पेशली सिराज को जिसने ऐसा एक्सप्लोजन किया है जिसकी वजह से जो है श्रीलंकन तो ऐसे लग रहे थे कि बिल्कुल उनको खेलना ही नहीं आता और उसकी वजह से जो है वो गेम सारी वन साइडेड हो गई और 50-60 जो रन किए उन्होंने 5-6 ओवरों में इंडिया करके निकल गया. टॉस जीतना जो है ना, मेरा जहां तक मेरी जो ऑब्जर्वेशन है इस पूरे एशिया कप में बड़ा ट्रिकी रहा. कभी हम कहते थे हाँ टॉस जीत के बैटिंग कर ली या बॉलिंग कर ली अच्छा फैसला था, पर ऐसा नहीं था क्योंकि मौसम कंडीशंस बहुत चेंज हो रही थी. आप ये देखें कि जब इंडिया ने श्रीलंका ने टॉस जीता और उन्होंने बैटिंग का फैसला किया तो उन्होंने जाहिर है स्टैट्स निकाले होंगे, सारी वर्किंग की होगी. सिल्वरवुड बंदा जो है वो बड़ा कैलकुलेटिव चीजों को लेके चलता है, वो बड़ा डीपली जाता है हर चीज में. उसने अपनी तरफ से सारी कैलकुलेशन कर ली और कहा जी टॉस जीत के हम बैटिंग करेंगे और बाद में हमें फायदा होगा. मगर कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल डिफरेंट थी. यानी इस वक्त जो कुदरत का निजाम चला है उसने ऐसा धोखा दिया हर किसी को कि जिसने भी टॉस जीत के जो भी फैसला किया है और उसके बाद जो कंडीशन है कंप्लीटली ऑपोजिट गई है. ऐसा चकमा दे दिया है विकेट ने भी, ग्राउंड ने भी. और मेरा ख्याल है कि जब जब श्रीलंका इंडिया बैटिंग करने के लिए आई है, ठीक है माना 60 रन थे, कुछ भी नहीं था, बट गेंद के अंदर ना वो स्विंग थी ना वो बाउंस था. बट जब श्रीलंका बैटिंग कर रही थी उसमें इतना स्विंग और इतना बाउंस था. इन सारी चीजों को अगर आप देखते हैं तो इतना बड़ा ब्लंडर मार दिया श्रीलंका ने कि टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग का फैसला कर लिया. उनसे पिच रीड हुई नहीं और उनको पता भी नहीं चला. बिल्कुल. और इंडिया ने भरपूर फायदा उठाया उसके ऊपर. बिल्कुल. ये टीम का एक वो होता है, एक अच्छी टीम का एक जिसे कहते हैं ना निशानी ये होती है कि आप टॉस का डिसीजन जो भी हो आप उसको अपने फेवर में टर्न कर लें. जिस तरह पाकिस्तान वाले मैच में अभी हमने जो है वो उन कंडीशंस में इंडिया को बैटिंग करने के लिए भेज दिया था, बाद में फिर उन्होंने उसको अपने एडवांटेज पे यूज किया, फिर कंडीशंस ने भी काफी उनका साथ दिया. तो चले ये एशिया कप जिस तरह आपने अभी कहा कुदरत जो है वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं रही है इस एशिया कप में. बट एनीवे लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम्स परफॉर्मेंस क्योंकि हमने जाहिर है हर मैच के बाद
डिस्कस तो किया है इन डेप्थ हमारी टीम को, कंसिडरिंग कि हम गोइंग इनटू द एशिया कप हम फेवरेट्स थे. सो व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे पाकिस्तान की, क्योंकि मेजर गलतियां तो आपको, हम सबको पता है जहां जहां पर गलतियां हुई, जो थोड़े बहुत एरियाज हैं फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड वी न्यू दोज एग्जिस्टेड इवन बिफोर एशिया कप, बट नाउ गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर फेवरेट्स फॉर द टेबल, नाउ गोइंग इनटू द एशिया कप किस गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप किस हेड स्पेस के साथ पाकिस्तान टीम एंटर करेगी? डू यू थिंक डीमोटिवेटिंग भी होगा, और डू यू थिंक दे आर टू हेड स्ट्रॉन्ग टू लेट दिस अफेक्ट देयर मोरल? अच्छा देखें रोहा, आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे क्वेश्चन है आपने जो मेरे से अभी किए हैं. बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ सारे क्वेश्चन के आंसर देने के जो मुझे याद रहेंगे. पहला तो ये है कि पाकिस्तान की टीम, इसमें कोई शक नहीं है कि एशिया कप में फेवरेट थी और इनको फेवरेट होना चाहिए था, इनको फाइनल खेलना चाहिए था. इंडिया की टीम भी फेवरेट थी, श्रीलंका को तो हम कहीं यानी उनका तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे थे, बांग्लादेश का जिक्र ही नहीं हो रहा था, और वाकई ऐसे ही था. देखें प्रेपरेशन के अतबार से देखें तो बेस्ट प्रेपरेशन जो थी वो इंडिया की थी. वो उनकी प्रेपरेशन एशिया कप से पहले से थी. उन्होंने कहा जी हमने कोई ट्रैवल नहीं करना, हम कोलंबो के अंदर रहेंगे, आपने जितनी भागदौड़ लगानी वो करते रहे, हम क्लाइमेटाइज भी होंगे और एक ही जगह में बैठे रहेंगे, आराम से चिल करेंगे और अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलेंगे. तो ये किसी भी टूर्नामेंट में आपने जाना होता है तो आपकी जो प्रेपरेशन है वो स्टार्ट होती है कि जी आपकी ट्रैवलिंग कब है, आपकी आपने जिस जगह पे जाना है आप क्लाइमेटाइज किस तरह होंगे, आप कितने रिलैक्स वहां पे रहेंगे जी, कितने फोकस रहेंगे, आपकी फैसिलिटीज कितनी अच्छी होंगी. उसके बाद जाके फिर मैचेस की स्ट्रेटजीज और प्लानिंग शुरू होती हैं. तो उसमें हम लोग वर्स्ट रहे, हम लोग जनाब ऊपर नीचे, जनाब खैबर मेल की तरह जो हमारी गाड़ी चल रही थी, हम कभी पाकिस्तान कभी श्रीलंका, कभी पाकिस्तान कभी श्रीलंका. उससे पहले भी लड़के कुछ क्रिकेट खेल के आए हुए थे, तो आई थिंक इसके आफ्टर इफेक्ट्स हमें एशिया कप में नजर आए. हमारी ये प्लानिंग जीरो थी. दूसरा, जब हम लोग उधर आ गए तो उस पहली प्लानिंग जो हमने गलत की हुई थी उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको इंजरी की शक्ल में नजर आए, फटीक की शक्ल में नजर आए, और एग्जीक्यूशन करते हुए जो है, क्योंकि जब आप फटीक्ड हो जाते हैं और आपको जब आप जब थक जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन नजर आती है, आपकी एग्जीक्यूशन उस तरह की नहीं होती, तो रिजल्ट भी उस तरह के नहीं आते, तो आपने वो आफ्टर इफेक्ट्स भी देखे. और इसमें श्रीलंका जो थी वो भी चैंपियन थे एशिया कप के, वो भी अपने घर में आराम से बैठे रहे, और वो भी वक्त के साथ साथ अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया उन्होंने. एनीवे एक्सक्यूजेस नहीं है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसके ऊपर हमें देखना चाहिए, सीखना चाहिए और लर्न करना चाहिए आगे जाने के लिए. बहरहाल आप देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के, 92 वर्ल्ड कप में वखार यूनस इंजर्ड हो गए, जावेद भाई की कमर में प्रॉब्लम थी, और आप कुछ यंगस्टर साथ में लेके गए, इमरान खान जो थे वो फुली फिट नहीं थे, उनके शोल्डर के मसले थे, वो बॉलर की बजाय वो बैट्समैन बने, बॉलिंग भी की उन्होंने. तो 92 वर्ल्ड कप में भी हम लोग जब गए तो बहुत सारे इश्यूज थे, बट पाकिस्तान की एक खासियत ये होती है जब बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं तो ये उनके लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी हो जाता है, क्योंकि जब अंडरडॉग होते हैं उस वक्त जब जाते हैं तो ये एक अजीब किस्म की गेम खेल देते हैं, अजीब किस्म की क्रिकेट खेल देते हैं, क्योंकि ये आई थिंक इट्स इन आवर ब्लड एज वेल, क्योंकि हम लोग इतना मैस हो जाता है, इतनी चीजें अनऑर्गेनाइज हो जाती हैं, उसके बाद जाके भी हम अपना जो हार्ट एंड सोल डालते हैं और जो हमारी स्किल्स है उसके ऊपर हम लोग जाके कोई मैजिकल चीजें कर देते हैं. इवन जो पिछला T20 वर्ल्ड कप था, मैं हेड कोच था पाकिस्तान टीम का, उस वक्त भी बहुत सारे इश्यूज रहे, मीडिया में बहुत खबरें चली, हमारा मिडल ऑर्डर ऐसा है, बॉलिंग यूनिट ऐसे है, शाहीन इंजर्ड थे, शाहीन 1.5-2 महीने इंग्लैंड में रहे, वहां से वो वापस ऑस्ट्रेलिया आए, उनके साथ एक फिजियो चला, एक बॉलिंग कोच चला, उमर रशीद और जावेद इंग्लैंड से उनको साथ में लगाया, वो उधर लेके आए, पहला मैच खेला स्ट्रगल अभी, तो फिर दूसरे में थोड़ा सा बेहतर हुआ, तीसरे में बेहतर हुआ, तो फाइनल तक जो है फिर शाहीन जो है वो अपनी पीक पकड़ गया. तो शाहीन का ब्लो था, इस वक्त नसीम का ब्लो है, हारिस राउत जो है वो इंशाल्लाह फिट हो जाएंगे अल्लाह के फजल से, लगता तो यही है. तो ये हमारे मसले मसाइल जो है ना बहुत पीछे से चलते आ रहे हैं, तो इसमें ये है कि हम लोग वेल बिफोर प्लान नहीं करते हैं, वेल बिफोर हमारी जो है ना वो जो है ना वो स्ट्रेटजीज और प्लानिंग वो उतनी सॉलिड होती नहीं है. जब सर पर पड़ जाती है, उल्टा आड़ा टेढ़ा हो जाता है, फिर हम जनाब उठते हैं और फिर जनाब अपना काम शुरू कर देते हैं. तो इस वक्त लग तो ये रहा है मीडिया के थ्रू, लोगों की बातों के थ्रू, और जो एशिया कप का जो
रिजल्ट है, लग ही रहा है कि हेड स्पेस जो है ना पाकिस्तान के खिलाड़ियों की वो उस तरह की नहीं है, बट बिलीव मी, आइडियल नहीं है, द बिलीव मी, आइडियल नहीं है बट बिलीव मी, ये लड़के ऐसे हैं, टीम ऐसी है, और ये हमारा एक एक ब्लड के अंदर है पाकिस्तानियों के, कि इन्होंने जब उधर जाना है इंशाल्लाह एक दो मैच खेलने हैं, उसके बाद इन्होंने फिर वापस आ जाना और दुनिया ने फिर इनकी बातें करने शुरू कर देनी है, और इंशाल्लाह अल्लाह से बड़ी कभी उम्मीद है कि वहां पे जाके इनकी हेडस्पेस भी ठीक हो जाएगी, इनके अंदर बाउंडिंग भी आ जाएगी, सेल्फ बिलीफ भी आ जाएगा, और जो लोग जो हमारे पाकिस्तान के फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, डाई हार्ड फैन, जिनके दिल टूटे हुए उनके दिल जुड़ेंगे भी और वो भी इनके साथ जुड़ जाएंगे। उम्मीद बिल्कुल यही है, और हमने अभी जितने भी एपिसोड आपके साथ रिकॉर्ड किए हैं एशिया कप के मैचेस के ऊपर, तो शुरू के मैचेस में भी आपने हर एपिसोड में बार बार ये बात की, अल्लाह इनको बुरी नजर से बचाए, अल्लाह इनको बुरी नजर से बचाए। अब मैं समझ रही हूँ कि आप ये क्यों इतना एम्फसाइज कर रहे थे, ये इतना जरूरी है ये सेंटिमेंट, ये विश, क्योंकि हम इतने अच्छा परफॉर्म कर रहे थे विद द बॉल। चले कोई नहीं, इंजरीज वगैरह होती है, एंड यू नो आपने खुद भी अभी बात की, तो मैं उसी के बारे में आप सवाल करूंगी कि क्योंकि इतनी ट्रैवलिंग हो रही थी ड्यूरिंग द एशिया कप, एंड देन प्रायर टू द एशिया कप देयर वाज आल्सो सो मच क्रिकेट दैट सम ऑफ आवर टॉप प्लेयर्स वर प्लेइंग। नसीम शाह की अगर हम इंजरी की बात करें, इट्स अ बिग ब्लो, बट he had played 15 back to back games bowled around 135 overs, and then he already had complained of a bit of a pain in his shoulder. yahan pe jo sabse bada sawal uth raha hai wo uth raha hai pcb ke upar, unki workload, jo management committee hai kis tarah wo players ko jo hai unka workload manage karte hain, especially agar ek player itni back to back games khel raha hai, wo already itna injury prone player hai bechara naseem, usko bar bar kuch na kuch ho jata hai। तो यहाँ पे सर किसको आप एट किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे फॉर हाउ नसीम शाह इंजरी वाज ट्रीटेड? देखिए रोहा, आपने सवाल जो किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो खाली नसीम शाह नहीं है कि उसने अपने आप को लुक आफ्टर करना है, और खाली बॉलिंग कोच या एसएनसी वाले नहीं है कि उन्होंने इसका ख्याल रखना है। ये एक टीम जो है वो पूरा बोर्ड वो, और फिर पूरा स्पोर्ट्स स्टाफ, और फिर टीम, ये तीन ऐसे जो जिम्मेदार लोग हैं जिनका एक एक प्लेयर और एक एक खिलाड़ी और पूरी टीम के ऊपर जिनकी जिम्मेदारी होती है। लॉजिस्टिक वाले ट्रैवलिंग को देखते हैं तो बेस्ट ट्रैवलिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। एसएनसी वाले फिजिकल साइड को देखते हैं तो बेस्ट फिजिकल वो चीजें होनी चाहिए। पूरा बोर्ड जो है, अभी अभी मेरी मेरी जो जो ऑब्जर्वेशन है या जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं सामने रख के बताता हूँ कि हम लोग जब श्रीलंका जा रहे थे और उससे पहले T20 जा रहे थे, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का कुछ इश्यू चल रहा था, उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो है कोई क्लैरिटी नहीं थी, और मुझे ये समझ नहीं आती है जब कोई मेगा इवेंट होता है या कोई बड़ी सीरीज होती है उससे पहले हमारे जनाब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के इश्यूज निकलने शुरू हो जाते हैं, बोर्ड प्लेयर्स और उनके अंदर जो है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की चीजें जो है उसमें वो क्लैरिटी नहीं होती है। मैं अक्सर इनको कहता था कि भाई हम खेलने के लिए जा रहे हैं, इन चीजों को पहले से ऑर्गेनाइज कर लिया करो, और हम जब खेलने के लिए जा रहे हैं तो आप एक दिन पहले लाके ये सारे पलंदड़े ना खोला करें, बदमजगी होती है। जो भी आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करना है उसकी एक ऐसी फिलोसफी बनाओ और उसको उसकी टाइमिंग सेट करो। ये नहीं कि जनाब वर्ल्ड कप से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बातें हो या मेजर इवेंट से पहले जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बातें हो जिसमें प्लेयर्स का आपस में जो है वो बदमजगी आ जाती है, बोर्ड के साथ बदमजगी आ जाती है। और फिर जब आपने ट्रैवलिंग की अरेंजमेंट्स बनानी है, आप किसी जगह पे जा रहे हैं तो आप स्पोर्ट्स स्टाफ को, हेड कोच को, डायरेक्टर को ऑन बोर्ड लें और उनसे पूरा इनकी ट्रैवलिंग आइटनरी बनाई जाए कि किस तरीके से इन्होंने ट्रैवल करना है, और फिर उसी तरह से आप इनके वर्कलोड मैनेजमेंट को भी देखने के लिए रेस्ट की पॉलिसी बनाओ, आपने रेस्ट किसको देना है। और मैंने इनको रमीश भाई जब थे, अल्लाह उनको खुश रखे, वो मेरी बात सुनते भी थे, हमने एक पॉलिसी बनाई थी 70-30 की। 70-30 का मतलब ये था कि जो अच्छा ये मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है, इसका ताल्लुक वर्कलोड मैनेजमेंट पे है, इसका ताल्लुक डायरेक्ट प्लेयर्स के ऊपर है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो फाइनेंशियल है, हर लिहाज से इसका उसके साथ ताल्लुक चलता है। ये 70-30 की पॉलिसी मैंने बनाई थी, ये अभी भी मेरे पास है, अगर ये चाहेंगे तो मैं इनको प्रेजेंट कर सकता हूँ। 70-30 का ये था कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी ए का प्लेयर है
उसने जाहिर है परफॉर्मेंस दी है, एविडेंस है, और वो कैटेगरी ए में बैठता है और उसको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी ए में रखा है, तो उसको 70% पूरे साल में आप चांस दें, और उसको चांस भी दें बड़ी इवेंट्स में बड़ी टीमों के साथ, और कैटेगरी बी के जो प्लेयर है उनको 30% दें। ये वैसे एक फिगर रखा है, इट कुड बी मोर इट कुड बी लेस, तो 30% उनको चांसेस दें जो कैटेगरी बी में है और जो बेंच पे बैठे हुए कुछ लोग, उनको आप 30% चांस दें। ये ग्रूम होंगे, ट्रेन होंगे, डेवलप होंगे, और वो आपके मेगा इवेंट्स में आपको वो मिलेंगे और तैयार होकर मिलेंगे। और क्या होगा कि कैटेगरी ए और कैटेगरी बी वाले जो है वो एक दूसरे को इल बी कंपटीशन विद इन द टीम, तो इनके स्टैंडर्ड्स भी हाई होंगे और हर लिहाज से ये मेंटेन करेंगे अपनी, चाहे वो स्किल्स हैं चाहे वो उनकी फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, तो इनका जो है वो प्लेयर्स की लुक आफ्टर भी हो जाएगी, वर्कलोड मैनेजमेंट भी हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपका जो बेंच है वो भी डेवलप रहेगा, और अब वो करंट सिचुएशन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके और भी बहुत सारी चीजें जो मैंने प्रेजेंटेशन में सारी इनके सामने रखी थी, रमीज भाई को बड़ी पसंद आई, उन्होंने कहा इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो तख्ता ही उलट गया, सारी चीजें इधर उधर हो गई। अच्छा, अब इसमें और एक चीज क्या हो सकती है, जब ये 70-30 की फिलॉसफी को अगर एम्ब्रेस करता है ये पीसीबी, हमारे खिलाड़ी और ये सब, तो इसमें आपने कुछ इनको गारंटियां देनी है, एश्योरेंस देनी है कि जो रेस्ट कर रहा है वो रेस्ट कर रहा है, ड्रॉप नहीं हुआ, कैटेगरी ए वाला रेस्ट कर रहा है तो वो ड्रॉप नहीं हुआ, उसको रेस्ट दिया गया है, और जो कैटेगरी बी वाला है वो आया है वो खेलेगा, उसको भी प्रॉपर चांस देना है, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छी बात है, बट जब कैटेगरी ए वाले को वापस लेके आना है तो उसको वो उसके जो फाइनेंशियल उसको जो लॉस होगा उसको पीसीबी बेयर करेगी। और जो पोजीशनिंग होती ना, हर बंदे को हर खिलाड़ी को पोजीशन का भी डर होता है कि यार मेरी अगर मैं बाहर बैठता हूं तो मेरी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी कल वो कमजोर पड़ सकती है, तो इसकी भी अश्योरेंस दी जाए। प्लस ये होता है कि हमारे यहाँ ये भी होता है कि रैंकिंग में फर्क पड़ जाता है, आईसीसी की रैंकिंग में, तो आपके बहुत सारी चीजों में जो है ना आपको फर्क पड़ता है, तो इसको बैठ के पीसीबी सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच, सपोर्ट स्टाफ जो वो और पूरी टीम ये बैठ के डिसाइड करें कि भाई होता ये है कि अगर आप कोई रेस्ट करते हैं तो आपकी आईसीसी रैंकिंग को फर्क पड़ सकता है, आपकी टीम के अंदर जो पोजीशन है ऐसे ही डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं, यार ये बैकअप तैयार हो रहा है ये मुझे बाहर निकाल देगा, तो आप इसमें भी शक आ सकते हैं, अगर मैं बाहर बैठूंगा तो मुझे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, मेरे नाम फेम को में कमी आ सकती है, ऐसी अगर सोचें आएंगी तो ना कभी रेस्ट होगा, ना कभी आप किसी को सही ट्राई कर सकेंगे, ना आप किसी को प्रॉपर मौका दे सकेंगे, ना वर्कलोड मैनेजमेंट हो सकेगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये 70-30 वाली फिलॉसफी में तकरीबन हमने कोशिश की थी कि ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उनको हम लोग डिस्कस करें और क्लियर कर दें, और हम कंट्री टीम मी इसकी फिलॉसफी पे आ जाएं कि पाकिस्तान के लिए हम सब लोग हैं, चाहे वो कैटेगरी बी वाला है या कैटेगरी ए वाला है, पाकिस्तान पहले है फिर टीम है और फिर मैं हूँ, मैं अपनी जात से करूंगा। तो ये 70-30 की फिलॉसफी आप बिलीव कि ये बहुत अच्छी है, ज़का अशरफ साहब अगर हमारे इस प्रोग्राम के तवसुल से देख रहे हैं, मैं इनके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ, बैठ के इनसे बात भी कर सकता हूँ, आगे मूविंग फॉरवर्ड के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। आई एम श्योर इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे पता चलेगा कि ये जो इंजरीज हो जाती है, प्लेयर डेवलप होते नहीं है, मौका सही मिलता नहीं है, टीम की वो एक पूरी टीम जो जेल होके करंट सिचुएशन में पूरी टीम फिट मिले, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्लियर हो जाएगी 70-30 की फिलॉसफी में। बिल्कुल, और ये जो आपने भी रोटेशन पॉलिसी जो बताई है 70-30 वाली, ये तो चले इंटरनेशनल गेम्स के लिए आप लोग पीसीबी इन्फोर्स कर सकते हैं, बट देन देयर इज आल्सो सो मच अदर क्रिकेट हैपनिंग आउटसाइड ऑफ द इंटरनेशनल कैलेंडर, जो प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लीग्स होती है जिसके ऊपर काफी एक इशू हो रहा था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके भी, एनओसीज को लेके भी, तो प्लेयर्स जो हैं यहाँ पे ठीक है कंट्री टीम मी तो बिल्कुल एक जायज बात है, बट व्हेन दे आर नॉट प्लेइंग फॉर द कंट्री दे हैव टू पुट देयर अदर इंसेंटिव्स फर्स्ट एज वेल, सो ये भी सर एक बहुत चैलेंजिंग चीज है नेविगेट करना, इट्स नॉट एन इजी थिंग इस क्लाइमेट जहाँ पे प्लेयर्स आपके इतने बड़े स्टार्स बन गए हैं। जी अच्छा, आपका ये सवाल जो है वो बहुत ही पावरफुल है, और पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर ऊपर लेके जाना है तो आपको ये रोटेशन पॉलिसी और दूसरी जो फ्रेंचाइजेज में जाना और क्रिकेट खेलना, इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा, इसको डीप डाउन समझना पड़ेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक खिलाड़ी था, मैं नाम नहीं लूंगा, एक खिलाड़ी था पाकिस्तान से खेला, और उसके हालात ऐसे थे कि वो ये समझा कि यार मैं अब पाकिस्तान टीम में आ गया हूँ, मैं खेलूंगा और मुझे बहुत
फाइनेंशियली फायदा भी होगा, तो उसने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। अब घर बना ही रहा था कि रास्ते में से जनाब वो टीम से ड्रॉप हो गया समहाउ द अदर। इसकी भी एक लंबी चौड़ी दास्तान है। तो उसको अपनी, उसने एक छोटी सी गाड़ी ली हुई थी, उसका एक आईफोन फोन मोबाइल भी था, आईफोन जो रखा था फोन वो भी था, और भी कुछ चीजें थी खेल के दौरान जो उसने खरीदी। गाड़ी उसके पास नहीं थी, उसने गाड़ी भी ले ली। अब उसने अपना छोटा सा घर बनाना शुरू किया। क्या हुआ, टीम से ड्रॉप हुआ, उसने गाड़ी भी बेची, फोन भी बेचा, और उसकी पाकिस्तान की क्रिकेट भी गई, और वो जनाब घर भी ज्यादा पुचदा बना हुआ, पूरा घर भी नहीं बना सका, फंस गया बीच में। आपने लोग खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइज से रोकना है तो पीसीबी को चाहिए कि हर प्लेयर की फाइनेंशियल सिचुएशन को देखे पहले। आपको ये 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 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पाकिस्तान की टीम को, खिलाड़ियों को ऊपर लेके जाना है और वर्ल्ड बीटर्स बनना है, तो आपको हर चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता कि प्लेयर का माइंडसेट क्या है और उसके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, मजबूरियां हैं, वो किस हालात से वो गुजर के जा रहा है। नहीं जी, हम वहां नहीं खेलने देंगे, हम वहां नहीं खेलने देंगे, आपको इधर खेलना है, वो पता भी कुछ नहीं है। मैं आपको एक और बात बताऊं जो बहुत मजे की बात यह है, मैं जब NHPC का हेड था, हम सब कोचेज को बुलाते थे, हम कहते थे यार हमने इस अंदाज से क्रिकेट खेलनी है, और हम उनको सारे कोचेज को भी बता देते थे, कैप्टन को भी बता देते थे कि हमने इस अंदाज से क्रिकेट खेलनी है, अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, और इस तरह से हमने क्रिकेट को आगे लेके जाना है, ये बेंच मार्क्स है। जब हम लोग वापिस आते थे तो वो जाके अपनी वही क्रिकेट खेलते थे और उसी तरह ही जनाब लगे रहते थे, एक भी बात की जो है ना सुनवाई नहीं होती थी। बाद में पता चला, जब हमने जब इसकी खोज लगाई तो पता चला कि उन्होंने कहा जी ये जो NHPC वाले हैं इनका भी कोई पता नहीं है ये कितनी देर इधर टिकते हैं, और ये जो बोर्ड के अंदर लोग हैं इनका भी कोई पता नहीं ये कितनी देर तक टिकते हैं, और ये जनाब ये जितने भी फिलोसफियां लेके आते हैं और ये फिलोसफी बनाने वाले चलाने वाले कितनी देर तक टिकते हैं। भाई आपने अपने अंदाज से खेलनी है क्रिकेट, और जो कोचिज थे उन्होंने कहा आप अपने अंदाज से करें, अगर आप जीतेंगे तो आपके चांसेस बन जाएंगे, आपके अगर खांचे खांचे होंगे तो आपके चांसेस होंगे, और आप जनाब आपकी जॉब लगी रहेगी, प्लेयरों के जो है काम चलते रहेंगे। तो ये इतना बड़ा इशू सामने आया कि यार ये हम कह कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है, क्योंकि देखें कंटिन्यूटी नहीं है हमारे यहाँ पे ना। आप 3 साल के स्पैन के अंदर पहले मानी साहब थे, फिर रमीज भाई आए, फिर नजम शेट्टी साहब आए, अब जका अशरफ साहब आए, अब ये दो वर्ल्ड कप के दरमियान, 3 वर्ल्ड कप के दरमियान 4 चेयरमैन चेंज हो गए, और उनके बीच में स्पोर्ट्स स्टाफ चेंज हो गए। तो अब जब ये चेंज हो रहे होंगे, हाँ जब ये इतना कुछ चेंज हो रहा होगा, तो आप प्लेयरों को रोकते हैं, कौन गारंटी देता है कि भाई आप टीम के अंदर हो गए, कौन गारंटी देता है भी आपको फाइनेंशियली लॉसेस नहीं होंगे, आप वो फ्रेंचाइज खेलने के लिए ना जाओ। आज मुझे समझ में आता है कि हफीज और शुएब मलिक जो थे वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते थे, वो कहते थे जब आपको जरूरत होगी हमें बता देते, हम टूर बाय टूर खेल लेंगे, हम फ्रेंचाइजीज खेल लेंगे। आपको ये समझ नहीं आती थी कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि उनको वो नहीं चाहते थे कि भाई हमारा टाइम थोड़ा है, मैक्सिमम जितना हम लोग कमा सके कमा लें। तो ये प्लेयर्स की फाइनेंशियल सिचुएशन देखनी पड़ेगी, रोटेशन पॉलिसी डिपेंड्स ऑन दैट, और पाकिस्तान की क्रिकेट डिपेंड्स ऑन दैट, कब रेस्ट देना है, कौन सी फ्रेंचाइजीज में जाना है नहीं जाना। रमीज भाई ने प्रॉमिस किया था, अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं रहे, उन्होंने कहा मैं कंपनसेट करूंगा, और कंपनसेट करने की नौबत ही नहीं आई, वो कंपनसेट हो गए, वो चले गए। तो मैं भी जब काउंटी क्रिकेट खेलता था, जी रोहा सॉरी मैं थोड़ा सा इसको क्लियर और थोड़ा सा मैं 12-13 साल सरे से खेला, एक दो साल ससेक से खेला, और जब भी मैं काउंटी खेल के आता था मैं बहुत ही फटीग होता था, टायर्ड होता था, पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता था, बट क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं होती थी, हम आके रोते थे चीखते थे कि यार हमें काउंटी ना भेजो, हम नहीं खेलेंगे, हमें थोड़ा कंपनसेट कर दो, हमने फैमिली को लुक आफ्टर करना है। वसीम अकरम, वकार, यूनस, मुश्ताक अहमद जितने भी हम लोग काउंटी उस वक्त खेलते थे, आप देखें हिस्ट्री उठा के देख लें कितने इंडियन जाके काउंटी खेलते हैं, कितने इंडियन फ्रेंचाइज खेलने के लिए जाते हैं, कितने ऑस्ट्रेलियन मेन टीम वाले जो है वो दूसरी फ्रेंचाइजेस खेलते हैं, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उन्होंने डिस्कस की होती है और उनकी स्ट्रेटेजी बनी होती है, उनको लुक आफ्टर करते हैं। हम लोग बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट फटीक हो गई, इंजरी हो गई, हम कहते हैं खेलते हुए इंजरी हो गई, ये फिट नहीं है, फिटनेस नहीं कर रहा। सब चीजों को समझना चाहिए, खिलाड़ी के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी है, मजबूरी है, उसके दिमाग में कितना क्लैरिटी है, पता ही कुछ नहीं है, कौन आएगा कौन जाएगा,
तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल ठीक बात आपने की है, और ये भी लिंक्ड है। रोटेशन पॉलिसी, जो मैनेजमेंट कमेटी की रोटेशन पॉलिसी है, वो ज्यादा इस वक्त सूटेबल नजर आ रही है। जो मेन टीम है वो रोटेट हो ही नहीं रही है, ऊपर से सब रोटेट हो रहे हैं। एनीवे, लेट्स सर्कल बैक टू द एशिया कप, क्योंकि हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। नसीम शाह के ऊपर वी डिस्कस्ड लॉट ऑन हिज फिटनेस, बट नाउ मूविंग अहेड, हु डू वी सी रिप्लेसिंग हिम, बिकॉज वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस होने वाला है और बहुत सारे नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। हसन अली, जमान खान, इवन अरशद इकबाल, बहुत सारे नाम तो फ्लोट हो रहे हैं, बट वी डोंट नो। आपकी नजर में हु डू यू थिंक विल बी अ सुटेबल रिप्लेसमेंट फॉर नसीम शाह? रोहा देखें, वसीम जूनियर का पास ट्रैक देखें, रिकॉर्ड देखें, उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हुई थी और वो कंपीट कर रहा, कंपीट तो नहीं खैर वो करीब करीब था शाहीन और नसीम शाह के परफॉर्मेंस के एतबार से। इवन उसने हारिस रऊफ को चैलेंज दिया हुआ था, खैर चैलेंज की बात नहीं, ये सारे हमारे अपने खिलाड़ी हैं, तो यानी उसकी परफॉर्मेंस इन तीनों से कम नहीं थी। कई मैचेस में इसकी परफॉर्मेंस उनसे अच्छी थी, गेम चेंजिंग मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस थी इसकी, वसीम जूनियर की। सही तरीके से लुक आफ्टर नहीं किया गया, इन एंड आउट हुआ। जब हम किसी को बाहर भी करते हैं तो कम अज कम एनएचपीसी, खैर एनएचपीसी अब नहीं रहा, एनसीए में से कोई या बॉलिंग कोच जो हमारे होते हैं वो उनको लुक आफ्टर करें, उनको सुने, अगर कोई टेक्निकल इश्यूज हैं या मेंटल इश्यूज हैं उसके ऊपर काम करता रहे, ताकि खिलाड़ी वापस आए तो फ्रेश हो, रेडी हो। तो आई थिंक ये हमारी ये पॉलिसीज को भी देखना चाहिए था। एनीवे मैं वापस आता हूँ आपके सवाल पे, वसीम जूनियर आपके पास ऑलरेडी स्क्वाड के अंदर है, ठीक है, रिप्लेसमेंट नसीम शाह की जगह पे हसन अली इज नॉट अ बैड चॉइस। अभी मैं बहुत दूर बैठा हूँ उसको, मुझे देखे हुए थोड़ा अरसा हो गया है, आई डोंट नो कि करंटली 3 4 5 महीनों में उसकी फिटनेस क्या थी और उसके एविडेंस कितने थे, ये चीफ सेलेक्टर के ऊपर है। उसका जो कैरेक्टर है बड़े मैच का, वो मैं मानता हूँ उसके अंदर वो कैरेक्टर है, उसने चैंपियंस ट्रॉफी में अकेले ही वो चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हुई है, इसको वो सारे इसके इसकी मेमोरीज के अंदर है, इसकी इमेजिनेशन के अंदर है, इसकी मसल्स के अंदर है कि एक वर्ल्ड क्लास बॉलर क्या होता है, इसने किया हुआ है। अब इसकी फिटनेस, इसकी परफॉर्मेंस रिसेंटली वो क्या है, ये चीफ सिलेक्टर को देखना पड़ेगा। अगर वो सारे बॉक्सेस टिक करता है आई थिंक वो चॉइस बहुत अच्छी हो सकती है। प्लस आपका जमान खान है, उसने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, और आई थिंक फाइनल मैच में वो अनलकी रहा, वो मैच निकाल चुका था, ले गया हुआ था, वो तो तुक्का लग गया वो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन का, उसने शॉट मारी इस तरफ और चौका मिला उसको उस तरफ, यानी शॉट सामने की तरफ मार रहा है, चौका थर्ड मैन की तरफ मिल रहा है। तो इसमें जमान खान तो मैच ले गया हुआ था अल्लाह के फजल से, कुदरत का बिल्कुल निजाम था ना वो चला, उसमें कुदरत के निजाम ने श्रीलंका को इज्जत दे दी, वरना ये जमान खान आपको मैच जितवा देता। आई थिंक जमान खान द वेरी गुड चॉइस एज वेल, फास्ट बॉलिंग के एतबार से मेरा ख्याल है ये आपके पास इनफ है, फास्ट बैटरी जो कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए स्पेशल कर सकती है। वेल, ये तो अब कुछ दिन में सामने आ जाएगा, बट जैसे आपने कहा हसन अली के पास वो एक्सपीरियंस भी है, वो टेम्परामेंट भी है 50 ओवर खेलने का। बस यही है देखना सिलेक्शन कमेटी ने कि वो कितने इस वक्त अपनी फॉर्म में है और किस तरह वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वी विल फाइंड आउट। अभी तो ये हॉट सवाल जो है ना वो भी यही है कि हु विल बी द रिप्लेसमेंट फॉर नसीम शाह। एनीवे, एशिया कप के ऊपर अगर हम बात करें, द लीडिंग रन स्कोरर फॉर दिस टूर्नामेंट वॉज शुभमन गिल, एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ मैच विनर फॉर इंडिया, 302 रन मेड इन हिज 6 इनिंग्स। यहाँ पे इस तरह का टॉप ऑर्डर बैटर फॉर्म में होना एक टीम के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है, स्पेशली वनडे में जब आपको वो फाउंडेशन चाहिए होती है। हाउ डू यू रेट हिम एज एन एसेट टू द इंडियन टीम राइट नाउ? देखिए एक प्रोग्राम में मैंने मेंशन किया था, विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ 100 बनाया, फिर उसके साथ केएल राहुल ने 100 बनाया, रोहित शर्मा ने एक अच्छा नॉक किया, मेंडेस ने बड़ा अच्छा नॉक किया पाकिस्तान के खिलाफ, बाबर ने भी 150 बनाया, इफ्तखार ने अच्छा खेला। आई थिंक ये सारे जितने भी नॉक हैं ये शुभमन गिल के, वो जो पाकिस्तान के खिलाफ इसने 50 60 70 रन बनाए हैं वो उस नॉक के बराबर नहीं है, क्योंकि वो जो नॉक था वो बहुत बड़ा नॉक था। मेरी अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से विराट का नॉक मेरे सामने इससे शुभमन गिल के नॉक के बराबर नहीं है, क्योंकि उसने जब एक मैच हुआ ऊपर से रोहित शर्मा, गिल और विराट कोहली आउट हुए और इंडियन बैटिंग लाइनअप ऐसे टॉपल हुई, अगले मैच में वो जिस अंदाज से आया और जिस करीज से वो खेला है, गेंद स्विंग भी हो रहा था, बाउंस भी हो रहा था, थोड़ा डबल पेस भी था, और उसने आके जो अटैक किया है पाकिस्तानी बॉलर्स पे,
60-70 रन बनाए, आई एम नॉट श्योर कि तकरीबन 60-70 ही थे। तो वो जो उसने जो 60-70 रन बनाए उसके बाद विराट का 100 हुआ, उसके बाद केएल राहुल का 100 हुआ, और उसके बाद रोहित शर्मा ने भी 50 किया। इन तीनों को अगर एनर्जी मिली या बिलीफ मिला, वो शुभमन गिल के साथ था, उसकी नॉक के था, और पूरे टूर्नामेंट में आई थिंक वो बिल्कुल सबसे डिफरेंट मुझे नजर आया। आई थिंक इज अ स्पेशल प्लेयर, और ये इंडिया का क्या दुनिया का मुझे कुछ स्पेशल प्लेयर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसने जिस अंदाज से जो इनिंग खोली है, खेली है दूसरे वनडे में अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट शाहीन और नसीम शाह, उसने एविडेंस दिए कि ही इज अ करेजियस, ही इज अ स्किलफुल एंड ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एज वेल। And he will be one to watch out for, especially in on Indian soil, you know, playing in those conditions. Of course, har batter contribute karega, lekin Shubman Gill ki is form se baki teams ko bahut khatra hoga. Speaking of special players, Abdullah Shafiq ki aapne kafi highly aap usko rate karte hain, rightly so. Humne bhi last game mein bhi dekha ki when he was given a chance, he showed ki he is ready for the big stage, especially his format mein bhi he can be a good fit. लेकिन अभी वर्ल्ड कप के अंदर उनकी जगह बन रही है कि नहीं बन रही, साउथ शकील का भी नाम जो है वो है प्रोबेबल्स में कि वो होंगे स्क्वाड में, सो आपकी नजर में अब्दुल्ला शफीक डज ही मेक द कट? देखिए, उसने फाइनल जो एविडेंस दे दिया है और जिस अंदाज से वो खेला है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर थोड़ा सा भी इनको सोचना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक को जो है वो ही शुड बी ऑटोमेटिक चॉइस फॉर द वर्ल्ड कप। बाकी जो चीज है अब्दुल्ला शफीक का, इसको थोड़ा और चांस मिलना चाहिए था। आई थिंक वेरी प्रॉमिसिंग गाय, बहुत ही अच्छा, टेक्निकली साउंड भी है, इक्वली गुड अगेंस्ट स्पिन एंड फास्ट, और अच्छे स्ट्रोक मारते हैं, शॉर्ट सिलेक्शन भी अच्छी है। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 1.5-2 सालों में जब से इसका डेब्यू हुआ है, इसको वनडे क्रिकेट और खिलानी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल पाया। यहाँ पे भी मैं कहूँगा 70-30 वाली अगर फिलोसफी होती तो ये आपका प्लेयर इस वक्त जो इसने एविडेंस दिए, इसने और एविडेंस दिए होते 5-6-8-10 इनिंग्सों के एविडेंस दिए होते, कैप्टन को कॉन्फिडेंस होता, चीफ सेलेक्टर को कॉन्फिडेंस होता, पूरी टीम को कॉन्फिडेंस होता कि भाई 8-10 दफा एविडेंस दिए हुए हैं, और उसमें से कई मैच विनिंग नॉक भी हो सकती थी, 1-2 भी मैच विनिंग नॉक हो जाती तो एविडेंस और ज्यादा मिल जाते। तो 70-30 की जो फिलोसफी है, इसको अगर ये एम्ब्रेस करते हैं तो इनको बहुत ज्यादा एविडेंस मिलेंगे। जब आपको धचका लगेगा इन टर्म्स ऑफ इंजरीज, जब आपको धचका लगेगा इन टर्म्स ऑफ कि टीम परफॉर्मेंस नहीं दे रही, तो आपको 70-30 वाली फिलॉसफी में आपका जो बैकअप है इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो आपको जो है वो सपोर्ट कर जाएगा। बिल्कुल, एविडेंस आपके पास होगा, बिल्कुल ठीक। सर, बिफोर वी रैप अप दिस एशिया कप रिव्यू, जो हम टूर्नामेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, आई जस्ट वांट टू ब्रिंग अप दिस क्विक टॉपिक, क्योंकि इस वक्त काफी ज्यादा इस पे बात हो रही है। इट गिव्स मी नो प्लेजर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बट बिकॉज ये एक चीज इस वक्त बनी हुई है ड्रेसिंग रूम लीक्स के बारे में, और जिस तरह हमारे कुछ मीडिया से जिनका ताल्लुक है लोग थोड़ा सा मिस यूज कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को टू स्प्रेड ऑल ऑफ दिस नेगेटिविटी राइट बिफोर द वर्ल्ड कप। डू यू थिंक, बिकॉज यू वर रिसेंटली इन दैट एनवायरमेंट, यू नो, इन दैट ड्रेसिंग रूम, कैसे इस चीज को हम स्टॉप कर सकते हैं, बिकॉज इट डज अफेक्ट नेगेटिवली एवरीबडी हु इज कनेक्टेड विद द टीम, बट स्पेशली द प्लेयर्स एंड द कैप्टन। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस इशू, एंड कैसे इसको हम टैकल कर सकते हैं? रोहा, आपके इस क्वेश्चन के तवसुल से और क्रिकविक के इस प्लेटफॉर्म के तवसुल से ये मैं बात कहूंगा, ये जो ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर जैसे भी आती हैं, ये इतने बड़े मुजरिम है पाकिस्तान के और पाकिस्तान टीम के, मैं ये समझता हूँ कि इनको पकड़ के इनको सजा देनी चाहिए। बाबर का पूरा हक है, वो कैप्टन है, लीडर है, अगर टीम की परफॉर्मेंस वैसे नहीं होती तो वो अपना एक्सप्रेशन जो है वो इजहार कर सकता है हर किसी के ऊपर। कोई सीनियर प्लेयर है, वो भी अपने एक्सप्रेशन का इजहार कर सकता है, क्योंकि हम सब वहां पे बैठते हैं और वहां पे हम रेक्टिफाई करते हैं, और हमसे ज्यादा, खिलाड़ियों से ज्यादा, स्पोर्ट्स स्टाफ से ज्यादा किसी को दुख नहीं होता हारने का, क्योंकि ये जब हार होती तो कुट जो लगती है वो हमें लगती है, धचके जो लगते हैं वो हमें लगते हैं, सीना हमारा फटता है ज्यादा। देखने वाले ठीक है, वो क्रिकेट लवर्स हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बट क्योंकि हम सामने होते हैं, इज्जत बेइज्जती उनकी तो होती है, सबसे ज्यादा हमारी होती है, हमें दुख होता है सबसे ज्यादा, हमारी फैमिली सफर करती है, तो हमारा ये हक है
बाबर का हक है, सीनियर खिलाड़ियों का हक है, ड्रेसिंग रूम के अंदर हम लोग एक दूसरे को कह सकते हैं कि भाई क्यों नहीं तुम हार्ड एंड शोल्ड लगा रहे हो, क्यों नहीं तुम वर्क एथिक पूरे कर रहे हो, क्यों नहीं ये चीजें सही चल रही हैं, हम ये कह सकते हैं। और ये मंदिर की बातें, फैमिली की बातें, ये अंदर ही रहनी चाहिए। जो बाहर इन चीजों को निकालते हैं, मैं ये समझता हूँ ये टीम के भी मुखलिस नहीं है और ये मुल्क के भी मुखलिस नहीं है। इनकी जो सोच और अप्रोच है, आई थिंक ये बहुत खतरनाक है। नेगेटिविटी फैलाते हैं, इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, और ये इनको पकड़ना चाहिए और इनको हो सके तो इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। मेरी अपनी राय है, क्योंकि मैं सफर कर चुका हूँ एज ए हेड कोच। मैंने बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स की हैं, हम मीटिंग कुछ करते थे और जनाब बात कुछ और हो जाती थी, और हम मीटिंग करके, मैं एक मीटिंग करके पीसी होटल में से निकला, मेरा कमरा जो था और टीम रूम का जो कमरा था उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 कमरों का फर्क था। उधर से मीटिंग करके मैं अपने कमरे में आ रहा हूँ और आके मैंने चाय की जो जो वो जो है कैटल है उसको, केतली को ऑन किया है चाय के लिए, बना के बैठा हूँ, टीवी लगाया तो जो मीटिंग उधर हुई हुई थी वो सारी बाहर आई हुई थी, और उसको 15 मिनट नहीं लगे। बड़ी दफा ऐसे और भी इंसिडेंट हुए। मैंने स्पोर्ट्स स्टाफ से भी स्ट्रिक्टली कहा कि अंदर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, जो मीटिंग होती है वो बाहर क्यों चली जाती है, कैसे चली जाती है। बोर्ड के अंदर भी ऐसे ही है, बोर्ड के अंदर भी ऐसी है, चेयरमैन की जो बातें हैं वो बाहर निकलती हैं। आई डोंट नो इन लोगों को क्या मिलता है, खबरें इस तरह की बाहर निकाल के उसमें मिर्च मसाला लगा के छिड़का के तड़का दे के बातों को और आगे करते हैं, पता नहीं क्या मिल जाता है। मैं नहीं समझता ये मोहब्ब वतन है, मैं नहीं समझता ये क्रिकेट हमारे पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा करते हैं। और देखें, इमेजिन करें, टीम जब जाएगी, बाबर जो है वो किस सोच के साथ खिलाड़ियों की आंखों में आंखें डालेगा, शाहीन, रिजवान, शादाब, सीनियर खिलाड़ी, जूनियर खिलाड़ी, क्या ये आंखों में आंखें डाल के बात कर सकेंगे जब ये सारी बातें बाहर इस तरह लीक हो रही होंगी। हर बंदा एक दूसरे का शक व शुभात कर रहा होगा। इट्स डिपेंड ऑन ट्रस्ट, इट डिपेंड्स ऑन रिस्पेक्ट। ये टीम जो है, हाँ, इसका ताल्लुक ट्रस्ट वाला है, रिस्पेक्ट वाला है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट खिल जाती है, ट्रस्ट उड़ जाता है, काम नहीं हो सकता। वही तो आपने बात की, इतनी जड़ तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये फिर आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और कुछ इसमें जो है वो क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ेगा। जो वीडियोस ड्रेसिंग रूम की निकलती हैं, जो इतना ज्यादा एक्सेस मिलता है फैंस को, कुछ ज्यादा ही फैंस को आदत शायद हो गई है उस एक्सेस की, तो नाउ दे वांट टू हियर एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। बट एनीवे, आई रियली होप कि ये यहाँ पे ही इसको खत्म करें हम। और सर, what advice before, because I want to end this Asia Cup review on a positive note, and aap jo hai, you are full of positivity and encouragement always, so what would you tell Babar and his boys at this point heading into the World Cup? Kya message hai aapka unke liye? Dekhen, Babar aur team ko main ye kahunga ke I saw you guys and I did work with you guys and I observed very deeply your work ethics and everything, और आपकी performances को मैंने बहुत गहराई से देखा हुआ है, और हम लोग आपको जो है support कर रहे थे, look after कर रहे थे। Trust me, we have believe on you, बाबर और आपकी team पे हमें believe है, आप इस world cup को जीत सकते हैं, अल्लाह के फजल से आपके अंदर सारी वो चीजें हैं, एक आध इंजरी का blow हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है, आप इस world cup को जीत सकते हैं। एशिया कप को सामने रखते हुए वर्ल्ड कप को आगे सामने ना देखो, आप अपनी स्किल्स को और अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को सामने रखते हुए अगले वर्ल्ड कप को देखो, और हमें बहुत बिलीफ है कि आप इस वर्ल्ड कप में बहुत स्पेशल करेंगे। अल्लाह खैर, आप वर्ल्ड कप जीत के आए सब लड़के, और हम लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि हम आप पे प्राउड फील करें, बाबर एंड बाबर की जो पूरी टीम है, और हम पूरा सपोर्ट करेंगे, आपके अंदर सारा पोटेंशियल है। दुनिया की ये वाहिद टीम है रोहा, मैं आपको आप बता दूं, ये दुनिया की वाहिद टीम है जो सबसे ज्यादा रगड़ा खा के ऊपर आती है। एक एक प्लेयर को देखो, ये जब क्रिकेट शुरू करते हैं ना, इनके पास जूता होता है, ना बल्ला होता है, ना खाने को रोटी होती है, पंप के पानी से जब पानी पीते हैं, नान चने खाते हैं जिसके अंदर पत्ते पड़े होते हैं, सबसे चीप खाना खाते हैं, सबसे चीप ऑयल में इनको जो बने हुए सालन मिलते हैं वहां से रगड़ा खाते हैं, ट्रेनों के थक्के खाते हैं, घर के हालात ऐसे होते हैं कि इनकी फैमिली लुक आफ्टर नहीं कर पाती, बाप सपोर्ट नहीं कर पाता, फीस नहीं दे पाते, ये रगड़ा खाते 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 खाते, कभी मुआशी रगड़ा होता है, कभी हालात का रगड़ा होता है, कभी घर नहीं मिल रहा, कभी ड्रेसिंग रूम में सोते हैं, मैं खुद ड्रेसिंग रूम में सोया हुआ है, एनीवे ड्रेसिंग रूम में सोते हैं, ट्रेन के धक्के खाते हैं, वैन डब्बों में चढ़ते हैं, छतों में सफर करके क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट होती है पाकिस्तान
क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इन बच्चों के ऊपर कुछ नहीं, इनको इनके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करता, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे इनको ग्रूम किया जाए, डेवलप किया जाए। उस रगड़े के बाद ये पाकिस्तान टीम में आते हैं। जब पाकिस्तान टीम में आते हैं तो इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, फैमिली को लुक आफ्टर करना है, रिश्तेदारों को लुक आफ्टर करना है, एंड इट्स ट्रू, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, इट्स ट्रू। मैं भी इसी सिचुएशन से, इसी सारे उस हालात से निकला हूँ, इट्स ट्रू। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, जब ये बच्चे आ जाते हैं इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां और होती हैं, एक्सपेक्टेशंस और होती हैं, एंड गेम इज जस्ट वन इंजरी अवे टू फिनिश योर क्रिकेट कैरियर। एक इंजरी हुई, आपका क्रिकेट कैरियर खत्म हो गया। ये मेरे साथ ऐसा हुआ हुआ है कि जिस ट्रॉमे में से निकल के जाते हैं, ये दुनिया की वाहिद टीम है जो सबसे ज्यादा जो है वो रगड़ा खा के ऊपर आती है और कोई सपोर्ट नहीं होती, किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं होती है। थोड़ा सा मेरा मैसेज लंबा हो गया है, बट मैं ये कहता हूँ मुझे ये रखना पड़ेगा, वर्ल्ड कप में ये जाते हैं और जाके मैजिकल करते हैं, ये इनका पैशन है, ये इनका दीवानापन है, ये इनकी मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए, और ये इनका अपना नेचुरल टैलेंट है, ये स्ट्रीट स्मार्टनेस है, ये खुद ही सीखे हुए हैं, इनको किसी ने सिखाया भी कुछ नहीं हुआ, और इनको नोचने वाले बहुत सारे हैं। और सबसे पहले ये जो हमारा ये जो मीडिया के ऊपर जो चीजें चल रही होती हैं, ये सबसे पहले ये नोचते हैं और इनके दिमागों को डेंट डालते हैं, डाउट्स लेके आते हैं, हम अपने ही लोग हैं। मेरी दुआएं इनके साथ है, अल्लाह ताला इनको बहुत इज्जत दे, ये पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल दीज बॉयज। बाबर जा जाके मेहनत कर, टीम को साथ लेके जा, जब भी डालो आपस में मिलके एक दूसरे का हाथ पकड़ो और जनाब अपना हार्ट एंड सोल डालो, इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है अल्लाह बुरी नजर से बचाए आप सब लोगों को। राइट, इट्स टाइम नाउ फॉर आस्क सकलेन सर। बड़े मजे के सवाल आज भी आए हैं आपके लिए, भरपूर लोगों ने भेजे सवाल, हमने उसमें चूज किया है। पहला सवाल जी किसी शादाब खान के बहुत बड़े फैन से आए, उनका नाम भी कुछ ऐसा ही है, उन्होंने भेजा है कि लुकिंग एट शादाब्स गेम अगेंस्ट स्पिन, डोंट यू थिंक ही शुड बैट एट नंबर 5? बाय डूइंग दिस वी कैन अफोर्ड टू प्ले एन एक्स्ट्रा स्पिनर और अ पेसर। देखिए नंबर 5 के ऊपर तो आपका इफ्ती है, इफ्ती मेनिया। देखिए ये कम्बिनेशन जो है वो देखेगा बाबर और हेड कोच, और किस अंदाज से क्रिकेट खेलनी है और कौन कौन सा प्लेयर की बैट्समैन खासतौर पर किस किस जगह पे जाएगा, आई थिंक ये उन्होंने तय किया होगा। हमें कुछ पता नहीं है इस वक्त ना, हम दूर से इसके ऊपर कोई इतनी डिटेल में बात नहीं कर सकते। बाकी ये है कि उधर जाएंगे इंडिया में तो पता चलेगा कि भाई कितने स्पिनर और कितने फास्ट बॉलर चलने, क्या कॉम्बो होगा। तो बहरहाल सवाल जो आपका है उसका मैं ये कहूंगा कि अपने आप को वेल प्रिपेयर करके जाए, बैटिंग और बॉलिंग दोनों प्लान्स की क्लैरिटी हो, और जब वहां पे जाए उनकी एग्जीक्यूशन में उनको आसानी हो, और जो रोल हो जो सिचुएशन हो उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। राइट, सही है। मोहम्मद यूसुफ ने अब एक सवाल भेजा है, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग ये सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि यू ऑलवेज बोल्ड इन द डेथ ओवर्स फेज एंड ब्रॉट सम अनबिलीवेबल ट्रायम्फ्स फॉर पाकिस्तान, व्हाई डू द फास्ट बॉलर्स बोल डेथ ओवर्स टुडे एंड व्हाट डू यू थिंक इज द मेन रीजन व्हाई डोंट द कैप्टन्स रिलाय ऑन स्पिनर्स इन दिस मोस्ट क्रूशियल फेज? देखें स्पिनर को आप ट्राई कर सकते हैं, करना चाहिए, व्हाई नॉट, क्यों नहीं करना चाहिए। वसीम अकरम को मेरे पे फेथ था, और क्योंकि मैं और वसीम भाई पीआईए से इकट्ठे खेले हुए थे तो उन्होंने मेरी स्किल्स को देखा हुआ था। अब ये है कि ये हमारे वसीम भाई उस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे तो जिसकी वजह से उन्होंने मुझे उधर देखा हुआ था। अब बाबर के पास इतना मौका नहीं होता कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी खेल सके, बहरहाल पीएसएल तो खेलता है, तो पीएसएल में ट्रेंड ही यही चल रहा है कि आखिर के ओवर जो है ना वो फास्ट बॉलर्स ही कर रहे होते हैं, तो इस वक्त जो है ना वो जेन इस तरफ सोच नहीं रहा। बट मेरा ये बिलीफ है कि अगर आप फास्ट बॉलर को आखिरी ओवर दे सकते हैं तो स्पिनर्स को भी आप दे सकते हैं, वो भी डिपेंड कर सकता है, बट स्पिनर्स के अंदर इनफ स्किल्स होनी चाहिए और प्रेशर के अंदर सही डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, दैट्स अ गुड आंसर, और सवाल भी अच्छा था। अब सुहेल का एक सवाल है, वो ये पूछ रहे हैं कि व्हेन यू इंट्रोड्यूस द दूसरा, व्हाई डिड दे कॉल इट दूसरा? I'll give credit to Nadeem Mohin Khan, क्योंकि मोइन खान कीपिंग करते थे, मैं जब बॉलिंग करता था तो ऑफ स्पिन और दूसरा, ये दूसरा नाम उन्होंने रखा था। वो मुझे कहते थे कि जब मैं कहूंगा तुमने दूसरा करना है, तो मैं बाजू का ये होता था कि मैं दूसरा नहीं करता था जिस वक्त करना होता था, क्योंकि मैं उस वक्त यंग था, टेक्टिकली मोइन खान मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस थे क्योंकि वो पाकिस्तान से खेले हुए थे, मैं अंडर 19 से अभी आ ही रहा था। तो जब कभी मुझे कहते थे कि सैकी दूसरा करो और मैं दूसरा करता था, विकेट मिलती थी
तो हम लोग जब एंजॉय करते थे तो उनकी आवाज माइक में जाती थी, माइक में जो है वो कमेंटेटर सुनते थे, जब कमेंटेटर जब वो देखते थे सुनते थे वो कहते थे कि जब मोइन कहता है दूसरा करो तो ये डिलीवरी होती है, तो इसका मतलब है इस डिलीवरी का नाम दूसरा है, तो इस डिलीवरी को जो नाम दिया गया वो मोइन खान ने दिया। That's a wonderful story. और ये शायद मुझे ये नहीं पता था, तो थैंक यू जिन्होंने ये सवाल भेजा. सर, आपका फेवरेट सवाल कौन सा था आज? उसको फिर हम प्राइज अनाउंस करेंगे. आई थिंक ये जो इन्होंने दूसरा सवाल जो आया था, दूसरी डिलीवरी वाला दूसरा सवाल कि इसमें डेथ ओवर क्यों नहीं करते, आई थिंक ये बड़ा पावरफुल है, और कैप्टन्स को और हेड कोचेस को ये सोचना चाहिए। बाज़ हम लोग समझते हैं कि जी फास्ट बॉलर्स को ही डेथ बॉलिंग करवानी चाहिए, तो स्पिनर्स भी बिल्कुल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कर आई थिंक ये सकते बड़ा हैं. पावरफुल इंफॉर्मेशन है, अगर इसके ऊपर बंदे सोच सके, कैप्टन सोच सके, हेड कोच सोच सके। राइट, मोहम्मद यूसुफ, आपको बहुत मुबारक हो. आपका सवाल जो है वो आज चूज हुआ है, एंड थैंक यू फॉर सेंडिंग अस योर क्वेश्चंस थ्रू द हैशटैग आस्क ग्लेन थ्रू आउट दिस एशिया कप एक्सपर्ट कॉर्नर. सर, थैंक यू सो मच. बड़े अच्छे इंसाइट्स और जोक्स और ये स्टोरीज हमें सुनने को मिली आपसे थ्रू आउट एशिया कप. आपने इतना इंसाइटफुल हमें अपने एनालिसिस दिए, अपने एक्सपीरियंस, अपने रिच एक्सपीरियंस के थ्रू. सो थैंक यू सो मच. इट वॉज एन ऑनर फॉर अस टू हैव यू एज द एक्सपर्ट ऑन द एक्सपर्ट कॉर्नर एशिया कप एडिशन. बहुत शुक्रिया आपको भी. आई होप के मजा आया होगा हमारे साथ ये शो करने का. Thank you, Rohan. I had a great time. Thank you very much, Quick Week, and all the behind the scenes your team thi. It was absolute pleasure for me. I had a great time as well. And good luck for Quick Week, with your expert corner. Good luck to you as well, inshallah. And hopefully see you soon, definitely for sure. Definitely, definitely. And I loved it every bit and every session and every question of yours. Loved it. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you again. And आप सबका बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग एक्सपर्ट कॉर्नर एंड एंगेजिंग विद द शो. दिस इज इट फॉर दिस एडिशन. वी विल होपफुली बी बैक सून विद मोर, बट अंटिल देन इट्स अ गुड बाय फ्रॉम आवर टीम एंड फ्रॉम माई सेल्फ. टेक केयर.